रायसेन तहसील के हकीमखेड़ी गांव में अवैध उत्खनन रोकने गए डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी और उनकी टीम पर अवैध उत्खननकर्ताओं ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला अस्पताल पहुंचकर डिप्टी रेंजर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल और DFO विजय कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी रेंजर को एम्स भोपाल रेफर किया गया है। करने वालों ने एक रास्ता बनाया हुआ था जिससे कि लगातार वो अपनी गाड़ियां ले जाते थे, तो रास्ते को विभाग द्वारा बंद किया जा रहा था। तो वो कुछ सामाजिक तत्व गाँव के हैं, उन्होंने आके डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी ने उनके साथ मारपीट की है, उनके पेट में चोट आई है, हाथ में भी चोट आई है, तो काफ़ी गंभीर